I'm Dr. Mudasir Khan, dermatologist and cosmetologist. So it was my personal interest to go into cosmetology and dermatology because I want to make people look beautiful and their best. Acne क्यों adults में होता है? जी ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा गया है और इसका मैं एक अच्छा सा जवाब दे दूंगी. आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है लोगों में. यूजुअली एक्ने जो होता है वो टीनेजर्स में फाइंड किया जाता है क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है हार्मोनल चेंजेस टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन सब चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में और ये एक्ने वॉप आउट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम एक्ने और पिंपल्स जिसको आम लोग समझते हैं. लेकिन ये एडल्ट्स में इस कारण होता है कि या तो स्ट्रेस रिलेटेड होता है हार्मोन्स जैसे आजकल हमारी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉन वेज चिकन वगैरह सब में हार्मोन भरा जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी जानवर बड़े हो जाएँ. उनको खाने से हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जिनमें एक्ने होता है वो ज़्यादा सीबम सिक्रीट करते हैं जो एक एक्ने को जन्म देता है. तो इसलिए एक्ने ज़्यादा हो जाता है एडल्ट्स में आजकल देखा गया है. लेकिन उसके बहुत सारे हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि ओरल आइसोट्रेटिनाइन सेल्सरिक पील्स टीसीए पील्स वगैरह वगैरह जिससे हम एक्ने को कम कर सकते हैं और इनको फिर से आने से रोक सकते हैं. ये देखा गया है कि जिम जो लोग जाते हैं और जो वर्कआउट करते हैं उनमें एक्ने ज़्यादा निकलता है. ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो आप बहुत स्वेट करते हो पसीना बहुत आता है और उसी पसीने को आप टॉवल वगैरह से वाइप करते हो उससे वो एक्ने के जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्ने ज़्यादा निकलता है. दूसरी बात है हम जो मसल बिल्डअप करते हैं जो जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं. जैसे कि आपको पता है एक बहुत बड़ा कारण है एक्ने का दूध जिसको लैक्टोस बोलते हैं. लैक्टोस के कारण देखा गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि एक्ने बहुत निकलता है. तो जो सप्लीमेंट्स जिम में दिए जाते हैं उसमें वाई होता है जो एक दूध से क्रिएट किया जाता है दूध से बना जाता है. वो लेने से फिर आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके एक्ने बर्स्ट ब्रेकआउट्स होते हैं. बट स्ट्रेस इज ऑल्सो रिलेटेड बिकॉज मोर यू वर्कआउट मोर स्वेट कम्स आउट एंड यू टेक मोर सप्लीमेंट्स सो देर इज मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग एन एक्ने. सो द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग जिम वर्कआउट एक्ने एंड पीपल हु टेक सप्लीमेंट्स एक्ने इज टू क्लीन योर फेस. एज आप एक पैड्स रखें जिनमें सैल्सिलिक एसिड हो और हर वर्कआउट के बाद उसको क्लीन कीजिए और अपना मिल्क इनटेक कम कीजिए. मिल्क से देखा गया कि एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है. फूड आइटम्स दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड एक्ने इज हाई कैलोरिक सोडा ड्रिंक्स एंड मिल्क. मिल्क हैज़ बीन नोन टू इंक्रीज एक्ने. लॉट ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स हैव बीन रिटन अबाउट कि मिल्क से एक्ने ज़्यादा होता है. तो इसलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स जिनको एक्ने होता है और वो जो ट्रीटमेंट ऑरल मेडिकेशन जिनको बोलते हैं दवाइयाँ खाने से डरते हैं उनको मैं बोलती हूँ दूध पीना बंद कर दीजिए. दूध के ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स हैव टू बी स्टॉप्ड. द कॉमन जैसे कि अब धूप का सीज़न आ गया समर सीज़न है दिल्ली इंडिया में गर्मी बहुत होती है. हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं धूप में जलने से या ओवर टैन होने से? सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्राई टू अवॉइड गोइंग इन सन ड्यूरिंग मिड डे. 12 बजे के बाद आप सन में निकलने से परहेज़ कीजिए जिसको हम बोलते हैं अवॉइडिंग. दूसरा यूज़ अ गुड सनस्क्रीन SPF 50, 30 to 50. And always a sunscreen has to be used 15 minutes before you go out. आप sunscreen लगा के फटाफट बाहर निकल जाएंगे फिर आप बोलेंगे मैं sun tan होता हूँ because sunscreen takes at least 15 minutes to increase its start its effect. So always I advise my patients who don't want to tan in sun to use a sunscreen at least 10 to 15 minutes before they go out. And in case you are in sun for a longer time, ज़्यादा time तक आप sun में, उस sunscreen को आप फिर से लगा लीजिए 4 घंटे में. आजकल pollution के कारण ज़्यादा
एक्नी निकल रहा है, ड्राइनेस हो रही है और पिगमेंटेशन भी हो रही है, बिकॉज हमारा जो हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देखती हूँ कि मेकअप करते हैं, दे डोंट क्लीन इट आउट आफ्टर गोइंग होम, दे डोंट यूज़ अ गुड सनस्क्रीन, दे डोंट यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर एंड डोंट ड्रिंक इनफ वाटर. These are very important things that have to be done to prevent any bad effects from pollution. आपने pollution से बचना है, खूब पानी पीजिए, धूप को avoid कीजिए, अच्छा सा moisturizer, एक vitamin C serum, जो आपके एक beauty regime जिसको मैं बोलती हूँ, आपका skin care regime, beauty regime इसलिए कि skin care regime है जो लगाना है आपको. Vitamin C will prevent antioxidants और एक धूप से बचने के एक बहुत बढ़िया सा sunscreen, जो non oily हो, non comedogenic हो, इससे आपका पोल्यूशन से भी बहुत फ़ायदा होगा.